सो गाइस कुछ इस तरीके का यहाँ पर हमको बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, जैसे कि यहाँ पर ब्लूटूथ हमको 5.0 मिलने वाला है, वाटर एंड स्वेट रेसिस्टेंट हमको मिलने वाला है IPX7, नीचे यहाँ पर वन टच वॉइस असिस्टेंट, एडवांस कैपेसिटिव टच कंट्रोल, मतलब हमको ये इसके अंदर बटन्स नहीं मिलने वाले, डायरेक्ट टच मिलने वाला है, इको डायनामिक सिक्योर फिट वाली डिज़ाइन है, और 6mm का डायनामिक ड्राइवर हमको मिलने वाला है इसके अंदर। इसको मैंने सिनेमेटिक करने के चक्कर में 2-3 बार खोला है, तो अगर वो हो सके तो वो अच्छा वाला आएगा, बाकी ये भी बढ़िया ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी हमको प्रीमियम हमको लुक मिलता है, यहाँ पर अच्छी तरह से सजा के दिया गया है। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, इसको हम निकाल देते हैं। ये हमारा जो है एक 1 ईयर का वारंटी कार्ड है, और ये बोट के जो कुछ अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हेडफोन है, एयर ड्रॉप्स है, ये होम ऑडियो, ओके ये होम थिएटर भी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो भी इसके अंदर हमको डिटेल्स दी गई है कि हम इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं। बोट मेरे को काफ़ी सालों से पसंद है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो ऑलरेडी मैं उसको एक जो हेडफोन है वो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने 2300 रुपीज़ में परचेज़ किया था, उसकी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, तो वो वीडियो आपको चाहिए तो भी आप देख सकते हो, और परचेस करना तो भी कर सकते हो। आगे बढ़े तो इस बॉक्स के अंदर हम देखते हैं क्या क्या मिलता है। ओके यहाँ पर हमको एक मिल जाता है टाइप सी का चार्जिंग केबल, जिसकी क्वालिटी एक डिसेंट है, ना ही ख़राब है ना ही बहुत अच्छी है। और दूसरा इसके अंदर हमको मिलने वाला है, मैं यहाँ से खोल देता हूँ, दूसरा इसके अंदर हमको मिलने वाला है कुछ एक्स्ट्रा के ईयर फ्रेम्स, काफ़ी सारे इसके नाम है ईयर ड्रॉप्स, तो कुछ हमको मिलने वाला है एक्स्ट्रा, आपके कान की साइज़ के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हमको मिलने वाला है यूज़र मैनुअल, इसके अंदर काफ़ी सारे डिटेल्स है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, तो आपको यूज़र मैनुअल पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सो बस अभी हम आते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट पे। यहाँ पर नीचे दिया गया है डिटेल्स कुछ, जैसे कि चार्जिंग बॉक्स बैटरी यहाँ पर हमको बताया जा रहा है 500mAh का, और जो ईयरबड्स है उसकी बैटरी है 35mAh, मतलब ये जो पूरा केस है वो 500mAh का है, और इसके अंदर जो ईयरबड्स है ऐसे कुछ लाइटिंग हमको मिल जाती है, काफ़ी अलग अलग लाइटिंग है, सभी मैं आपको फंक्शन बताऊँगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन आप देखोगे तो ओवरऑल अब इसके बारे में अच्छे से जान पाओगे। कुछ इसका केस इस तरीके से बनाया गया है, और ये जो नाइस ये जो एयर ड्रॉप है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने इसको कान में यहाँ पर डाला, तो ये ओवरऑल बाहर की जो सराउंडिंग्स है वो पूरी जो नॉइस है वो उसको डेफिनेटली मेरे हिसाब से 90% कम कर देता है, मतलब आपका फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ आपके म्यूज़िक के ऊपर। सो गाइस अभी इस ईयरबड की बात करें तो यहाँ पर हमको बटन नहीं मिलने वाला, टच मिलने वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं टच करता हूँ तो यहाँ पर लाइट हो रही है, और इसके मल्टी फंक्शनल टच है वो मैं आपको बता देता हूँ बाद में। यहाँ पर हमको चार्जिंग कनेक्टर मिल जाते हैं, और ये जो पूरा डिज़ाइन किया गया है काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, अगर आप इसको ऐसे कान में यहाँ पर फिट करते हो तो पूरा का पूरा नियर बाय की आपके जो भी सराउंडिंग्स है काफ़ी जगह से नॉइस है उसको ये कर देता है यहाँ पर गायब। उसके थोड़े आगे हम इसके जो स्पीकर है उसकी क्वालिटी उसकी बात करेंगे। इसका जो चार्जिंग केस है कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, ये चार्जिंग केस है वो 500mAh का है, और ये जो ईयरबड्स है वो 35mAh के हैं, और ये चार्जिंग केस इसको 5 बार चार्ज कर सकता है। सो गाइस अभी इस चार्जिंग केस की बात करें और इन दोनों ईयरबड्स की बात करें तो इसकी जो पूरी जो बिल्ड क्वालिटी वो मुझे काफ़ी पसंद है, एक प्रीमियम हमको मेटालिक डिज़ाइन मिल जाती है, ब्लैक कलर मुझे पसंद है, तो ये आप ब्लैक कलर यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्लैक और थोड़ा यहाँ पर ग्रे है, और जो ईयरबड्स है वो ओवरऑल 100% हमको ब्लैक कलर मिल जाता है, और यहाँ पर हमको बोट की जो ब्रांडिंग है ऑन दी बोट सीधी बोट इसकी जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर हमको दिखती है, और इसकी जो पूरी क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी प्रीमियम लगती है 2000 रुपीज़ के अंदर। अभी कुछ यूज़र मैनुअल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे फर्स्ट बात, अगर आपको चार्जिंग यहाँ पर चार्जिंग केस में से आप निकालते हो तो तुरंत ही वो पेयर मोड पर चले जाएंगे, आपको जो लास्ट कनेक्टेड डिवाइस रहेगा उसमें ये कनेक्ट हो जाएंगे तुरंत ही, तो मतलब आपको कोई बटन दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जैसे आप इस केस को क्लोज़ करेगे तो चार्जिंग होना चालू हो जाएगा, और आप जब भी ओपन करोगे
तो आप देख सकते हो वो पेयर मोड में चले जाएंगे जब आप निकालोगे। सो गाइस अभी यहाँ पर मैं ब्लूटूथ इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पर एयर ड्रॉप्स मेरे को ऑलरेडी बता रहा है क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर डाला नहीं होगा। अभी इसका मतलब यहाँ पर ये निकल चुका है, एयर ड्रॉप्स यहाँ पर बता रहा है। कनेक्ट करना काफ़ी आसान है, जैसे मैंने पैर पे क्लिक किया तुरंत ही कनेक्ट हो गया। और अगर आपका कोई भी अलग डिफरेंट डिवाइस है कोई तो उसके अंदर कनेक्ट नहीं हो तो आपको फॉर टाइम ज़ीरो डालोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अभी इस ईयरबड्स की चार्जिंग के बारे में बात करें तो जब भी आप इसको चार्जिंग में रखोगे, सबसे पहले तो आपने इसे रख दिया तो जब तक आप इसको क्लोज नहीं करोगे तो ये चार्जिंग नहीं होने वाला। यहाँ पर आपकी जो LED है वो चालू हो जाएगी। तो ये जैसे कि चार्जिंग होना चालू हो जाए तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रीन लाइट जल रही थी। इसका मतलब इसकी जो चार्जिंग है वो 50% से कम है और चार्जिंग कम्प्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर ब्लू लाइट्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने वाली है। और अभी इसका जो चार्जिंग केस है उसके बारे में बात करें तो जब भी आप इसको चार्जिंग में रखोगे तो यहाँ पर अगर रेड कलर की लाइट जल रही है शुरुआत में तो 0 से 35% इसकी चार्जिंग हो चुकी है, और अगर पर्पल कलर की लाइट जल रही है तो इसका मतलब 35 to 75% इसकी चार्जिंग हो चुकी है, और अगर यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट जल रही है इसका मतलब 100% तक इसकी चार्जिंग हो रही है, मतलब 75 से 100% इसकी चार्जिंग हो रही है। तो आप तीन फंक्शन के हिसाब से डायरेक्टली समझ सकते हो कि इसकी चार्जिंग केस की चार्जिंग कितनी है। जैसे कि मेरा ये जो पीटोन बेस पर्स था इसके अंदर चार्जिंग की यहाँ पर 4 LED दी गई थी तो हम यहाँ से समझ सकते थे, तो उसी तरह इसके अंदर आप इस तरीके से समझ सकते हो। अभी इसकी बात करें तो ये जो मल्टी फंक्शनल बटन है, सबसे पहले यहाँ पर मैं मेरा मोबाइल है उसको ला देता हूँ। अगर आप इसको 2 सेकंड तक होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पर आपका जो वॉइस असिस्टेंट है वो इनेबल हो जाएगा, लेकिन मैंने 2-3 बार ट्राई किया वो नहीं आ रहा। कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। तो आप इसको डेली रूटीन में यूज़ करोगे उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये काम कैसे करता है। और अगर आप दूसरी बात करें तो ये जो सिंगल बटन है, अगर आपने किसको कॉल किया है तो तुरंत ही आपको कट करना है तो सिंपली आपको ये कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉल लगा रहा हूँ तो सिंपली मैं इसको क्लिक करूँगा तो कॉल हो जाएगा कट। और अगर आपका किसको इनकमिंग कॉल आ रहा है तो सिंपली आप क्लिक करोगे तो आपका कॉल इनेबल हो जाएगा, मतलब आपका इनकमिंग कॉल आप एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर आपने आपको सामने से किसको किसका कॉल आ रहा है, इनकमिंग कॉल आ रहा है, वो आपको कट करना है तो आपको 3 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है तो वो से आपका जो कॉल है वो भी कट हो जाएगा। सो गाइस अभी यहाँ पर कुछ ट्रैक्स की बात करें तो इस बटन को अगर आप सिंगल टच करोगे तो सामने है वो पॉज हो जाएगा, अगर वापस आप टच करोगे तो रिज्यूम हो जाएगा। ऑडियो वीडियो आप पॉज या रिज्यूम कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट ट्रैक में जाना है तो आपको डबल टैप करना है तो नेक्स्ट ट्रैक में चला जाएगा। राइट साइड ट्रैक करोगे तो राइट दूसरा जाएगा, और अगर आपको प्रीवियस ट्रैक में जाना है तो लेफ्ट साइड आपको डबल टैप करना है तो प्रीवियस वाला चलना चालू हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो माइक है उसको मैंने यहाँ तक कैमरा तक ला दिया है, फिर भी इसके अंदर थोड़ी सी जो वॉइस है नॉइस यहाँ तक पहुँच रही है, इवन मैं भी यहाँ पर सुन पा रहा हूँ। ये काफ़ी कमाल के एयर ड्रॉप से तो इनके इतने नाम। तो अभी मैं यहाँ पर नियर रख के आपको साउंड की क्वालिटी है वो सुना देता हूँ।